देखिए अनंत, मुझे तो अभी एक खबर ये भी मिल रही है कि जो एक बाहरी मुख्यमंत्री के साथ शिवपाल सिंह यादव के घर गए थे राजेंद्र चौधरी जी, उनकी शायद छुट्टी कर दी गई है जी। तो ये बेहतर होगा कि ठीक है बाहरी जो भी जहां भी उनकी छुट्टी कर दी जाए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी बाहरी को बीच में नहीं रहने देंगे जी। तो अगर एक बाहरी जाता है और एक चौधरी जी जा रहे हैं तो कम से कम मंत्रिमंडल का अगर गठन होने जा रहा है और नए मंत्री इंडक्ट हो रहे हैं तो साफ सुथरे छवि के भी जो एक दो मंत्री हैं जिनको बिना कारण हटाया गया या उनके बारे में बताया नहीं गया पार्टी के फोरम पर, जैसे मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास शायद अजय जी भी सहमत होंगे, अंबिका चौधरी एक ऐसा नाम है जो कि संसदीय मामलों का ज्ञाता है जी। विधानसभा के अंदर कोई कार्रवाई होती है, कोई रूलिंग होती है तो उनकी जरूरत पड़ती है, उनको क्यों हटाया गया ये अभी तक किसी की समझ में नहीं आया। और हमें लगता है ये बात तो खुद अंबिका चौधरी को भी नहीं पता है और वो किससे पूछे क्यों हटाया गया जी। अगर पार्टी के मुखिया के आदेश पर है, पुराने वर्कर, उन्हें पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। आज की तारीख में नेताजी से वो इस तरह से कंफर्टेबल नहीं है कि अपनी बात को कह सकते हो, तो बेहतर होगा कि ऐसे व्यक्ति जो साफ छवि के हैं पार्टी के लिए कानूनी दृष्टिकोण से भी और लॉजिस्टिक तौर पर भी ठीक उपयोगी साबित है, उनको अगर इंडक्ट किया जाए तो पार्टी के सेहत के लिए अच्छा होगा, एक साफ सुथरा मंत्रिमंडल दिखाई देगा। और हमें लगता है अगर ये खबर सही है, क्योंकि मैं लाइव बैठा हुआ हूं, जो मुझे अभी सूचना मिल रही है जी कि राजेंद्र चौधरी जी की छुट्टी कर दी गई है, तो मुझे लगता है कि घर में चाहे जिधर भी बाहरी हो, क्योंकि खुद शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा था कि मेरे पास हो या मुख्यमंत्री जी के पास हो या नेताजी के पास हो, बाहरी कौन उसकी पहचान करना सबका दायित्व है, उन बाहरियों कितनी सुनी जाए इसको भी समझना हम लोग का दायित्व है जी। और खासतौर से अगर आज जो बाहरी गए थे अगर उनकी छुट्टी होती है तो एक अच्छा संकेत है उन लोगों के लिए कि जो लोग मुख्यमंत्री का कान भरते हैं या जो लोग शिवपाल सिंह यादव का कान भरते हैं जी।